अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। बिजनेस मैथ में हमारा आज का जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिस्टेंस का है। डिस्टेंस क्या होता है आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। आपके पास अगर ग्राफ को देखा जाए तो ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास माइनस वाई और यहाँ पर माइनस एक्स, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस की वैल्यू होती है, प्लस का एक्स, और यहाँ पर वाई माइनस का। ये ग्राफ आपने पहले भी देखा होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि एक पॉइंट है, लेट सपोज 4 और 3, तो ये जो पहला पॉइंट है ये एक्स को डिफाइन कर रहा है और दूसरा पॉइंट वाई को डिफाइन कर रहा है। एक्स लेट सपोज़ ये 4 है और y लेट सपोज़ ये 3 है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर लगाया जाएगा। अगर मैं कहूँ दूसरा पॉइंट मैं अज्यूम करता हूँ कि वो है -3 और 4, तो अब x हमारे पास -3 है, डेफिनेटली माइनस की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपके पास, और मैं अज्यूम करता हूँ कि -3 ये पॉइंट है, और y हमारे पास प्लस का 4 है जो कि यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ लग रहा है हमारे पास। तो अब ये जो पॉइंट है ये -3 और 4 को एक्सप्लेन कर रहा है, और ये पॉइंट आपके पास 4 और 3 को डोनेट कर रहा है। इन दोनों पॉइंट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम डिस्टेंस का ये फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला बहुत ही आसान है और इसे कैलकुलेट करना भी बहुत ही आसान है। आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, दैट इज़ 4, 3, -3 और 4। इसमें इसमें जो आपके पास पहला पॉइंट है जो कि 4 है ये x1 है, और दूसरा पॉइंट जो 3 है ये y1 है। देन आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो x2 है, और ये जो पॉइंट है ये y2 है। इन वैल्यूज़ को अब फॉर्मूले में पुट करेंगे। आपने कहा d इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट, सबसे पहले हमने x1 लिखना है, x1 हमारे पास 4 है, देन माइनस का साइन यूज़ करना है। x2 हमारे पास -3 है और हमने फिर स्क्वायर को यूज़ करना है, प्लस y1 हमारे पास 3 है माइनस y2 हमारे पास 4 है, वंस अगेन स्क्वायर को यूज़ करना है। देन d इज इक्वल्स टू 4 आपने एज इट इज़ लिखा, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी प्लस का साइन हो जाएगा, +3, और फिर हम इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, देन +3 -4 -1 और इस पर स्क्वायर, देन इज इक्वल 7 का आपके पास स्क्वायर, देन +-1 का स्क्वायर प्लस का 1 आता है। किसी भी वैल्यू पर अगर हम स्क्वायर लें तो वो स्क्वायर हमारा उस साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। देन मैंने कहा डी 7 का स्क्वायर 49 +1, देन डी 49 + 1 = 50, और ये आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस को मालूम करना बहुत ही आसान, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।